हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? तो आज से हम जून 2019 की प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर। इससे पहले मैंने बहुत सारी सेशंस ऑलरेडी ले चुका हूँ कोड 55 नेट JRF के लिए, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे हैं वो वहाँ जाके उनकी प्रेपरेशन कर सकता है। बहुत सारे लॉज मैंने कवर कर दिए हैं, मैक्सिमम लॉज आई हैड ऑलरेडी कवर्ड। और आज से हम जितने भी टॉपिक्स हमारे बचे हैं उनको हम आज से कवर करना स्टार्ट करेंगे। सो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आपकी प्रेपरेशंस जो है वो बेटर चल रही होंगी। एंड दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर नेट JRF स्टूडेंट्स कोड 55। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लेबर वेलफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल वेलफेयर फैसिलिटीज। यहाँ से आपको किस तरह का क्वेश्चन बनता है वो आप आज बात करेंगे। 5 से 7 मिनट का सेशन रहने वाला है, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो जी, ये जो आपका इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज है इनको किसने बताया था? तो जो आज, वैसे तो इसकी बहुत सारी डिविजन्स हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात की है, बट जो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वो करेंगे कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा जो डिविजन इसका किया गया है, जिसको कि ILO ने 1963 में, ठीक है, मतलब कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स क्या है, जिसको ILO ने बनाया है। और ये जो डिवीजन है वो 1963 में किसने की थी? कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ने की थी। किसकी डिवीजन की थी? वेलफेयर फैसिलिटीज की, क्लियर। जो भी आपकी फैक्ट्रीज में, जो भी आपकी एस्टेब्लिशमेंट में आपको वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, तो वो किस तरह की होती है? तो वो दो प्रकार की होती है या दो तरह की होती है, ठीक है। वन इज इंट्राम्यूरल एंड अनदर इज एक्स्ट्राम्यूरल। नाउ व्हाट आर इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज या फैसिलिटीज? दीस आर दोज फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड विद इन द प्रेजेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो प्रेजेंस का मतलब क्या है? अब ये थोड़ा सा आपको एक मिनट समझना पड़ेगा। तो जैसे जब आपने डिफरेंट लॉज पढ़े होंगे तो वहां पे आपने एक फैक्ट्री की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो वहां पे स्टार्ट कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट्री की डेफिनेशन में लिखा होता है कि एनी प्रीमाइसिस इंक्लूडिंग प्रेजेंस देयर ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री का मतलब क्या हुआ, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज दिस इज योर फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब जहां पे आपका एक्चुअल में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, या फिर वी कैन से जहां पे आपकी एक्चुअल में प्रोडक्शन होती है, क्लियर। तो ये जो आपका एक्चुअल बिल्डिंग है, दिस इज योर बिल्डिंग, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग वॉल है। और यहाँ पे इस बिल्डिंग में एक्चुअल में जहां पे आपकी प्रोडक्शन होती है आपकी फैक्ट्री की, ठीक है, ठीक है, यहाँ जहां पे आपके कोर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उस बिल्डिंग को आप क्या बोलते हो? फैक्ट्री। तो एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रेजेंस, ये तो हो गई आपकी प्रीमाइस, ये हो गई आपकी प्रीमाइस, ठीक है। अब प्रेजेंस का मतलब क्या हुआ? ये जो यहाँ पे प्रेजेंस लिखा है, तो इस जहां पे आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन होती है, इस बिल्डिंग के बाहर जहां तक आपकी जो है वो आपकी वॉल होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं जैसे आपकी ना, जैसे कोई भी घर है, मान लो दिस इज योर होम, इसको आप और इजीली समझ सकते हो, ये आपका घर है, ठीक है। और इस घर के बाहर जहां तक आपके घर की बाउंड्री है, ठीक है, दिस इज योर होम बाउंड्री, ठीक है, जहां तक आपकी घर की बाउंड्री है, तो ये जो एरिया कहलाया इसको बोलेंगे हम प्रेजेंस, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रेजेंस। तो ये बोलने का मतलब है कि जहां आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन होती है उसके अंदर जो वेलफेयर फैसिलिटीज दी जाती हैं वो तो इंट्राम्यूरल में आएंगी ही आएंगी, बट इसके अलावा जहां तक आपके फैक्ट्री की वॉल है, वॉल मतलब जहां तक आपका वहां पे आपका कब्जा है बोल सकते हैं हिंदी में, तो वो जो है उसको बोलेंगे प्रेजेंस, क्लियर। सो तो जो भी यहां तक, अब हो सकता है कि जहां पे आपके ऑपरेशन और प्रोडक्शन होती हो उसके बाहर यहाँ पे पार्क हो मान लो, ठीक है, यहाँ पे आपके टॉयलेट्स हो या कोई भी अदर फैसिलिटीज हो, तो वो सारी किसके अंदर आएंगी? इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज के अंदर आएंगी और फैसिलिटीज के अंदर आएंगी, ठीक है। और इसके बाहर, इस वॉल के बाहर जो भी होगा वो आउटसाइड द एस्टेब्लिशमेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज। आई थिंक सो कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम बिना देरी किए हुए, अब क्वेश्चन किस तरह का बनता है? क्वेश्चन आपको इसमें मैचिंग की तरह बनता है। देखो यहाँ आपको क्वेश्चन आया था, ये दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नवंबर 2017 पेपर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ने 1963 में वेलफेयर फैसिलिटीज को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, है ना। तो एक तो विद इन द प्रेजेंस और एक आउटसाइड द एस्टेब्लिशमेंट। तो हमें मैच करना है कि कौन सा आउटसाइड द एस्टेब्लिशमेंट है और कौन सा विद इन द प्रेजेंस है। तो जैसे आप देख सकते हो, शिफ्ट अलाउंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट विद इन अ प्लांट फॉर वेलफेयर, प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यूथ एंड द चिल्ड्रन, देन वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ वर्कर्स। तो हमें मैच करना है, क्लियर। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आप किस तरह करोगे, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है जो कि इंट्राम्यूरल के अंदर आती हैं और कौन सी ऐसी जो कि एक्स्ट्राम्यूरल के अंदर। तो ये आपकी 10 पॉइंट्स की लिस्ट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपके टॉयलेट्स आ जाएंगे, फिर वॉशिंग एंड बाथिंग फैसिलिटीज आ जाएंगी। ऑब्वियसली इसमें हम कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, नो इशू, है ना। कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे? यू नो
टॉयलेट्स आपके जहाँ पे आप प्रोडक्शन करोगे वहीं ही होंगे या उसके आसपास ही होंगे, बहुत दूर आपको जाना ना पड़े, तो ऑब्वियसली ये आपके जहाँ पे आप काम करते हैं वहीं पे होंगे। आपकी वॉशिंग बाथिंग फैसिलिटीज भी बिल्कुल साथ ही होंगी। क्रच फैसिलिटी ऑब्वियसली इसके इंट्राम्यूरल के अंदर आएंगी, क्यों? बिकॉज आपको पता है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर जो है वो कोई भी वुमेन है वो वुमेन इज अलाउड टू फीड देयर चाइल्ड और देयर चिल्ड्रंस फॉर 4 times in a day, ठीक है? तो दिन में 4 times जो है वो अपने चाइल्ड को फीड कर सकती है, अपनी क्रच जो बने होते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी नजदीक ही होंगे जहाँ पे वो काम करते हैं, तो वो भी इंट्राम्यूरल के अंदर आएगा। इसके अलावा कैंटीन्स, रेस्ट रूम होंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज होंगे, प्रिवेंशन ऑफ फटीग के लिए जो भी अरेंजमेंट है रेस्ट रूम्स हैं वो भी इंट्राम्यूरल में ही आएंगे। इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, अब ये जो मैंने रेड किए हुए हैं ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने हैं, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे आपको कई बार कंफ्यूजन हो सकती है कि शायद हेल्थ सर्विसेज बाहर हों, बट नहीं, ये वाली जो फैसिलिटीज हैं वो भी आपको इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज और फैसिलिटीज के अंदर आपको वहीं पे दी जाएंगी, ठीक है? तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट विद इन अ प्लांट टू लुक आफ्टर वेलफेयर और यूनिफॉर्म एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ऑब्वियसली वो भी वहीं पे होगी। शिफ्टिंग अलाउंसेस वो भी इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज के अंदर आएंगे। तो ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज है जो कि इंट्राम्यूरल दी जाती है। एंड दिस इज द सेकंड लिस्ट ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज, तो जिसके अंदर मैटरनिटी बेनिफिट्स आएगा, सोशल इंश्योरेंस मीजर्स, जितने भी आपको ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, मतलब सिंपल सी बात ध्यान में रखो, इंट्राम्यूरल का मतलब है जहाँ पे एक्चुअल में आपकी कंपनी प्रोडक्शन करती है, ठीक है? और प्रोडक्शन करती है और उसके बाहर, प्रोडक्शन करने के जो बिल्डिंग है उसके बाहर जो आपकी आउटर वॉल है उस पूरा एरिया जो होगा वो सारा क्या आएगा, इंट्राम्यूरल का आएगा, ठीक है? और इसके बाहर जो भी होगा वो आपका एक्स्ट्राम्यूरल का आएगा। तो बेनेवोलेंट फंड होते हैं जब किसी इंप्लॉय को फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो उसको जब फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत होती है उसको बोलते हैं बेनेवोलेंट फंड। तो ऑब्वियसली उसको फटाफट वहीं से ही वो दिए जाते हैं, ठीक है? मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, फिजिकल फिटनेस के लिए, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड वेलफेयर, है ना? फिर एडल्ट एजुकेशन, एजुकेशन फैसिलिटीज के अंदर हाउसिंग फैसिलिटीज, ऑब्वियसली वो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे तो नहीं होगी, उससे थोड़ा सा दूर ही होगी, है ना? रिक्रिएशनल फैसिलिटीज वो भी जहाँ पे काम करते हैं उससे बाहर ही जाके कहीं होगी। हॉलीडे होम्स हो गया, ट्रेवल फैसिलिटीज हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, स्टोर्स हो गए, फिर प्राइस शॉप्स हो गई, आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो, ठीक है? आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ वर्कर्स हो गई, देन प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यूथ एंड द चिल्ड्रन, एंड ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ द वर्क। तो ये कुछ आपको लिस्ट है जो कि आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है? और कुछ थोड़ा सा आप इसमें कॉमन सेंस लगा के, अंडरस्टैंडिंग लगा के भी इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब मुझे लगता है कि जब आप इसको देख चुके हो तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने पढ़ा शिफ्टिंग अलाउंसेज, जब हम शिफ्ट करते हैं तो ये वो वाले अलाउंसेज हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि जो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज में जो लास्ट वाला पॉइंट था ये था वो, तो इसका आंसर होगा या तो सेकेंड या तो फोर्थ। तो ऑब्वियसली फोर्थ यहाँ पे है नहीं, तो थर्ड और फोर्थ तो गया। अब सेकंड और फोर्थ से, फर्स्ट और थर्ड से कोई ऑप्शन होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट विद इन अ प्लांट फॉर वेलफेयर, तो ये भी हमने पढ़ा कि विद इन द प्रिजंस था, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए थर्ड सीटा, ठीक है? प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यूथ एंड द चिल्ड्रन, ये भी हमने पढ़ा, एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज के अंदर आता है। और वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ वर्कर्स, तो ये भी हमने पढ़ा कि आउटसाइड द एस्टेब्लिशमेंट ही आता है, ठीक है? So guys, this is all about for today's session about the intramural and extramural welfare facilities, which is provided by the Committee of Experts, जो कि जिसको कि आईएलओ ने संचालित किया था in 1963. तो ये जो 1963 है, ये भी आपको ईयर याद रखना है कि ये कब, ये जो है ग्रुपिंग की गई थी इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल में बाय द कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, तो 1963 में, क्लियर? तो बस ये आपको लिस्ट याद रखनी है, ठीक है? 2-3 times इस लिस्ट को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगी। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।